शुरू होने वाला है खरमास। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही लग जाएगा खरमास। खरमास के शुरू होते ही निकल जाएगी चार राशियों की लॉटरी। मिलेगी छिपे धन की चाबी। जो कारोबार ठप हो चुका था उसे मिलने लगेगी गति। तो कौन सी है वो राशि जिसे खरमास में मिलने वाली है माँ लक्ष्मी की कृपा, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे शास्त्रों की भाषा में मीन संक्रांति कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे खरमास कहा जाता है। दोस्तों, खरमास को ज्योतिष विद्वान बेहद अशुभ योग मानते हैं। इस दौरान कुछ कामों को करने की सख्त मनाही होती है। कोई भी शुभ और मांगलिक काम इस दौरान नहीं किए जाते। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब इतने अशुभ योग बन रहे हैं तो तीन राशि वालों की लॉटरी कैसे लगने जा रही है। तो आपको बता दें कि खरमास में तीन योग बन रहे हैं जिन्हें बेहद अशुभ माना जा रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सभी राशियों के लिए एक जैसे फल लाए। दोस्तों, 14 मार्च को सूर्य के मीन राशि में जाते ही खरमास लग जाएगा। साथ ही मीन राशि में राहु और सूर्य की युति बन जाएगी। 18 मार्च को कुंभ राशि में शनि भी उदयवान हो रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए नुकसान लेकिन तीन राशियों की लॉटरी लगाने वाले हैं। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि आपके लिए खरमास का एक पूरा महीना बहुत ही लाभ लाने वाला है। निवेश करेंगे तो फायदा होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आय के नए स्रोत खुलेंगे। कुल मिलाकर खरमास का ये महीना आपके लिए लक्ष्मी जी की कृपा ला रहा है। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि, बुध आपके गृह स्वामी है। अगर आप व्यापार में हैं तो लाभ ही लाभ है। आर्थिक अवसर के मामले में आप भाग्यशाली होने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखें कि किसी से पैसे की लेन देन में आपको सावधानी बरतनी है। अगली राशि है धनु राशि। खरमास धनु राशि के लिए भी अति शुभ है। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो लकी साबित होंगे। भगवान सूर्य और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, इसलिए आर्थिक मोर्चे पर आपको खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए ये खरमास शुभ नहीं है। ज्योतिष गणना के मुताबिक इन तीन राशियों पर शनि की ढैया चल रही है। पैसे का नुकसान, सेहत से जुड़ी परेशानी और करियर में मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है, इसलिए इस दौरान इन्वेस्टमेंट या किसी को उधार का पैसा देने से जितना हो सके बचें। अगर आपकी कर्क और वृश्चिक राशि है तो जान लीजिए खरमास के दौरान शनि की ढैया आपके भी पीछे पड़ी है। इस दौरान फूंक फूंक कर कदम रखें, जरूरी काम आपके बिगड़ सकते हैं। मान सम्मान को भी नुकसान पहुंचने के पूरे आसार हैं। आय के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं, सावधान रहें। तो मित्रों, कोई भी राशि हो आपकी, लेकिन इस दौरान मांगलिक या शुभ काम आप कोई भी शुरू ना करें और ना ही किसी नए काम की शुरुआत करें। इस दौरान बेहद शुभ रहेगा अगर आप भगवान सूर्य के मंत्र का जप और ध्यान करें। तो मित्रों, आपकी क्या राशि है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।